अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त अमजद गुल और आप देख रहे हैं मुझे अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। पिछले दो दिन में हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट पे दो बड़े हमले हुए हैं। एक हमले की बात हम करेंगे कि अयाज सादिक की तरफ से इलेक्शन कमीशन को एक खत गया है कि जो महसूस नशिस्तों का मामला है, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक वाज़ह फैसला आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो नशिस्तें जिस पार्टी की बनते हैं, जैसे कि आप लोग को मालूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने नशिस्तें बनते हैं आप उस हिसाब से ये नशस्तें दे दें। इससे पहले हमने देखा था कि जितनी भी नशस्ती थी, महसूस नशस्ती थी, वो पीडीएम में शामिल जमातों में बंदर बांट करके या माले गनीमत समझ के जिस तरह आपस में बांटे थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक इतना वाज़ह फैसला आया था और एक इतना सख्त फैसला भी आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में साफ लिखा था कि अगर तो इस फैसले पर अमल आप लोग नहीं करेंगे तो इसके आपको नतायज भुगतने होंगे। उस फैसले को पाँव तले रोन दिया गया है अयाज सादिक की जानिब से और इसके साथ साथ पंजाब असेंबली के जो स्पीकर है उसकी जानिब से इलेक्शन कमीशन को एक हद गया है कि आप उस फैसले पे अमल ना करें इलेक्शन एक तरमीमी बिल की वजह से। एक ये एक बड़ा फैसला आया है हुकूमत की तरफ से जिससे लगता ही है कि हुकूमत फुल मूड में है इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ाई में। एक दूसरा जो आज डेवलपमेंट हुई है, एक अनोखी और बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट आप उसको कह सकते हैं कि एक आर्डिनेंस काबीना की तरफ से मंजूर होता है और उस आर्डिनेंस के बाद उस पे सदर आसिफ अली जरदारी साहब फौरन साइन कर लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट जो कि बहुत बड़ा नाकिद रहे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, इससे पहले आर्डिनेंस के एक उसके पुराना बयान भी आजकल या ट्वीट आप समझे कि हमारे काफ़ी दोस्त उसको ट्वीट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब कहते थे कि सदारती आर्डिनेंस लाना पार्लियामेंट के तौहीन है। अगर आपने सदारती आर्डिनेंस लेके आना है तो आप पार्लियामेंट को बंद करें। इतना एक बड़ा सख्त नाकिद, लेकिन फिर हमने देखा कि जैसी सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उस आर्डिनेंस पे साइन किया उसी पे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने अमल करते हुए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की आर्डिनेंस आ जाई है और उस पे अमल करते हुए हमने देखा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को उस कमेटी से निकाल दिया गया। ये तीन सीनियर चीफ जस्टिस के साथ दो जो बाकी सीनियर जज साहिबान होते हैं उसकी कमेटी होती हैं जो देखते हैं कि हमने किस केस में सो मोटो लेना है और किस केस को हमने पहले सुनना है बाद में सुनना है या कौन सा केस जो है ये इंसानी बुनियादों के हकूक से रिलेटेड है। उसमें हमने देखा है जैसे कि इससे पहले काफ़ी केसेस में हमने देखा था कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब अकलियत में चले जाते थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब उसमें वो एक दो के फैसले आते थे। इस वजह से हुकूमत को जाहिर सी बात है अब दिन कम रह गए हैं। काजी फैज़ ईसा साहब के टोटल इस वक्त रहते हैं 34 से 35 दिन रहते हैं और अगर आप वर्किंग डेज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ उसके 24 दिन रह गए हैं। तो हालात जैसे कि इमरान खान साहब भी फरमा रहे हैं कि इस वक्त हालात फुल आप समझे कि लड़ाई की मूड में है सुप्रीम कोर्ट और उसके साथ साथ हुकूमत। इस वक्त जिस तरह के इकदाम हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बिल्कुल रद्दी की ठूकरी में फेंका जा रहा है वो आप लोग के सामने ही है जिस तरह की इकदाम कर रहे हैं। इससे यकीनन आने वाले दिनों में लग रहा है कि ये जो लड़ाई है ये शिद्दत अख्तियार करेगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब, हमने पहले भी देखा है हमारे काफ़ी दोस्त इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल में बैठ के सहाफ़ियों से और हुकूमत से ज़्यादा बहबर होते हैं चीज़ों से। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि फैज़ हमीद की वजह से फैज़ हमीद पहुँचाता है क्योंकि फैज़ हमीद साहब भी इस टाइम ऑलरेडी आर्मी की तहवील में है तो उसको इन चीज़ों का सबसे पहले पता चल जाता है। अब जो कि एक तरमीमी बिल आने वाला था इमरान खान साहब को उस तरमीमी बिल का पहले से पता था, हालांकि वजीर कानून साहब को, वजीर आजम साहब को भी उन कवानीन का नहीं पता था कि कौन से कवानीन पास करने हैं और कौन से पास नहीं करने। इमरान खान साहब ने पहले फरमाया था और फिर हमने कल देखा इमरान खान साहब ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि ये लाजमी इस तरमीम को, आईनी तरमीम को पास करेंगे क्योंकि जो लड़ाई इस वक्त चल रही है वो आप यकीनन ये कह सकते हैं कि इस निज़ाम की वो एक आखिरी सांसें हैं, एक आखिरी सांसें आप समझे कि वो ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो इसके मेन खिलाड़ी है उन लोगों ने फिर अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से हमने इस निज़ाम को लेके आगे चलना है और जो तरमीमी आईनी तरमीमी बिल अब ये लोग पास करने हैं क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह अयाज सादिक साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की ठूकरी में फेंक के इलेक्शन कमीशन को गाया उससे लगता ये है कि अब आगे वाले दिनों में महसूस नशिस्तें जो कि ऑलरेडी फिर बाकी पीडीएम में शामिल जमातों में बांट दिए जाएंगे और उसके साथ साथ ये वही वाला तरमीम आईनी बिल जो है वो लेके आएंगे जिसके आप हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जिसको सुन के भी आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे। मतलब आप होते कौन है आप इस तरह के बिल लाने वाले? एक तो आप अवाम के नुमाइंदे हो, आप अवाम के नुमाइंदे तो हो नहीं, आप लोग
पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त 212 जो चेहरे हैं जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हुए हैं उनको याद रखे। वैसे भी हमारी पाकिस्तानी कौम की, हम जैसे दोस्तों की जो हाफजा है वो बड़ा कमज़ोर होता है, हम भूल जाते हैं चीज़ों को, लेकिन उनमें फिर मेन मेन बंदों को आपने याद रखना है। उसमें सबसे फर्स्ट आप नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, और उसके साथ साथ यूसुफ रजा गिलानी साहब, और साथ वजीर कानून हमारा दिल अजीज़, जिसको पता ही नहीं था कि कौन से कानून पास करने हैं कौन से नहीं। ये वो लोग हैं जो जमहूरियत पे इस वक्त हमलावर है, या ये वो लोग हैं जो इस वक्त चाहते हैं कि यही निज़ाम, जाहिर सी बात आप बेनिफिशरी हो इस निज़ाम के, आप कभी नहीं चाहोगे। अगर मुझे एक चीज़ ऐसी बनी बनाई मिल जाए, फ्री में मिल जाए, जाहिर सी बात है आप जिन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं आपको फ्री में मिले हुए हैं, तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि ये निज़ाम ना चले। जाहिर सी बात है आपने इस निज़ाम के लिए कोशिश करना है और इसको कंटिन्यू करना है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि जाहिर सी बात है एक वाहिद इदारा बचा है, इमरान खान साहब भी बार बार यही एक चीज़ फरमा रहे हैं कि एक वाहिद इदारा बचा है, क्या वो अपने साख को बरकरार रखते हैं या हकूमत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होते हैं। आने वाले दिनों में यकीनन ये पता चलेगा। अब तक के लिए इतना ही, वस्सलाम।